तो यार ये मेरे चैनल पे पहला वीडियो है जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल या मतलब जेई से रिलेटेड है। तो यार वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, वॉइस क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा वीडियो में, केवल मेरे वर्ड्स अच्छे होंगे। तो क्या करो आप, ये ब्लैंक पेज रखूँगा मैं पूरा, आप सिर्फ आवाज़ सुनिए, क्योंकि यार मैं भी एक जेई एस्पिरेंट हूँ तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं, आप भी जानते हो। अभी एक महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं भाई साहब, और ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो यार मैं शायद आपको हेल्प कर सकता हूँ कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के रिगार्डिंग। क्या हुआ कि मैं 2020 में भी एग्ज़ाम दिया था ना, तो शायद मैं आपकी मदद करूं। 2020 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 84% आए थे जनवरी में, और सितंबर में आए थे 70, समझ रहे हो भाई। तो यार 2021 में मेरे यार अभी फरवरी में आए हैं 95% और 97 आए मार्च में। तो अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे। तो यार देखो, अब मेरी बात सुनो, जो फरवरी अपने 25 की शिफ्ट 2 जो है वो सब लोग बहुत इजी बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो उतनी इजी नहीं थी। मतलब जितनी 18th की शिफ्ट बंद थी मार्च में, 18th मार्च की शिफ्ट बंद थी, उतनी इजी तो नहीं थी। तो जैसे वहाँ पर 99% से कट ऑफ गया था 250 के आसपास, लेकिन यहाँ कम जाएगा उससे, मुझे लगता है 230 जाएगा, हो सकता है। और ये जो जितने भी पेपर्स हुए अभी जुलाई में, उनमें से जो 27th का शिफ्ट 2 है उनको थोड़ा टफ बताया जा रहा है, और बाकी 25th की सेकंड वाली जो है उसको सबसे ईजीएस्ट। और तो मेरे ख्याल से जो बाकी जो है, जो 25th की शिफ्ट 2 है उसका 230 के ऊपर 99 बनेगा, और जो 27th की है उसमें तो भाई मतलब मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ ना, हो सकता है गलत भी हो, बाकी 190 पे बन जाना चाहिए। और बाकी शिफ्ट्स में आप 210 या 220 के आसपास कंसीडर कर सकते हैं,